हेलो एंड वेलकम, मैं आदित्य सांगवान और आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं उनको सत्यपाल मलिक कहते हैं। वो फॉर्मर गवर्नर रहे हैं और गवर्नर नहीं, हैवीवेट गवर्नर्स, क्योंकि गवर्नर का पद भारत में कई कई बार ऐसे ऐसे लोगों को सुशोभित कर दिया जाता है जो सिर्फ एक स्टाम्प के तौर पर रहते हैं। हम अपनी बात शुरुआत करते हैं फ़कीरी से। आज इस देश में दो बड़े हैवीवेट फ़कीर हैं। एक वो फ़कीर हैं जो कहते हैं कि अगर देश के ऊपर कोई भी बात आई तो वो झोला उठा के चल देंगे। एक दूसरे फ़कीर हैं जो कहते हैं मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके राजभवन आया था और अगर मैं वापस जब निकलूंगा तो इन 5 कुर्ते पजामों के साथ ही जाऊंगा और मैं खुद अब एक फ़कीर की ज़िंदगी जी रहा हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये दोनों फ़कीर जो हैं आपस में खासम खास हुआ करते थे। 2014 का जब चुनाव हुआ तो एक ने मैनिफेस्टो बनाया, दूसरे प्रधानमंत्री बने। आज इनकी राहें जुदा जुदा हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि एक वो फ़कीर हैं जो बड़े इंटरव्यूज़ देते हैं और दूसरे वाले इंटरव्यू देते नहीं हैं। आज हम उनके सत्यपाल मलिक जी के घर पे पहुँचे हैं। ये अब इतनी बड़ी आलीशान ज़िंदगी जो गवर्नर की होती है उनको छोड़ के 2 BHK के घर में रह रहे हैं, किराए के घर में। जैसे सर ने कहा कि किराए के घर में। मलिक साहब, वार्म वेलकम आपका एंड बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सीइंग अस। सबसे पहली बात तो ये कि आप गोवा के राजभवन में रहे, बिहार के राजभवन में रहे, जम्मू एंड कश्मीर और फिर मेघालय के। तो गोवा का राजभवन तो अपने आप में इतना खूबसूरत है, वहाँ प्राइवेट लैंडिंग है, प्राइवेट स्विमिंग पूल है और इतने अच्छे गार्डन्स हैं कश्मीर के राजभवन में। इतनी एक्स्ट्रावेगेंट लग्जरी लाइफ को छोड़ के अब 2 BHK के किराए के घर में रह रहे हो, कैसा फील होता है? मैंने अपने को कभी बिगाड़ा नहीं। गोवा के राजभवन में भी मैं नीचे एक 2 कमरे का सेट था उसमें रहता था। जो मूल बिल्डिंग है जहाँ गवर्नर्स रहते हैं वहाँ मैं कभी नहीं रहा। मैंने अपनी कोई आदत नहीं बिगाड़ी, इसीलिए मुझे यहाँ शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मेघालय का गवर्नर हाउस देश का सबसे खूबसूरत गवर्नर हाउस है। उसमें भी एक कॉर्नर में बस मेरा एक बेडरूम और एक सिटिंग रूम था, उसी को यूज़ करता था मैं, इसलिए मेरी कोई आदत नहीं बिगड़ी हुई। इसमें मेरी आधी तनख्वाह चली जाती है किराया देने में। अच्छा, कितना किराया है इसका? किराया है 55,000। अच्छा, 55,000, वो तो बड़ा हैवी किराया देते हैं आप। यहाँ महंगा है। अच्छा, हाँ, आर के पुरम में फिर भी जी।